हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देख रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल नंबर 617। डेवलप प्रोग्राम विच इम्प्लीमेंट्स द कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। ठीक है, सो ये हम देखने वाले हैं डेवलप प्रोग्राम विच इम्प्लीमेंट्स द कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग, विच इज़ प्रैक्टिकल नंबर 17। ठीक है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है मेथड ओवरराइडिंग का। ठीक है, सो सी यहाँ पे ओवरराइडिंग का मीनिंग मैंने आपको लेक्चर में बोला था कि ओवरराइडिंग में हमें क्या करना है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आएगा वहाँ पे समझ लो कि इनहेरिटेंस होगा ही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इनहेरिटेंस करेंगे, सो इसलिए हमें बेस क्लास चाहिए होगा एंड हमें चाइल्ड क्लास चाहिए होगा। ठीक है, सो बेस क्लास में जो सेम मेथड है, मतलब बेस क्लास में जो कोई एक मेथड है विच इज़ सेम एज इन डिराइव क्लास, तो बेस क्लास में जो मेथड है उसको हम डिराइव क्लास में भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सेम मेथड को, हैविंग दी सेम नेम एंड सेम फीचर्स, उसके पैरामीटर्स भी सेम रहेंगे, उसके नेम भी सेम रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग। अब देखो इसको कैसे, मतलब एक्चुअली मेथड ओवर राइडिंग कैसे होता है तो देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले एक व्हीकल नाम का क्लास लिया है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने एक रन मेथड ली है। ठीक है, रन मेथड, एंड यहाँ पे देखो हमने जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट किया है, व्हीकल इज़ रनिंग। ठीक है, मतलब जब भी एक रन मेथड एग्जीक्यूट होगी तो स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, व्हीकल इज रनिंग। अब देखो उसके बाद हमने क्लास बनाया है मेथड ओवर। ठीक है, मतलब ये चाइल्ड क्लास है या फिर डिराइव क्लास है जिसको हमने डिराइव किया है फ्रॉम व्हीकल क्लास। ठीक है, सो सी हियर, मेथड ओवर एक्सटेंड्स व्हीकल, मतलब क्या है, व्हीकल इज अ बेस क्लास एंड दिस वन इज अ चाइल्ड क्लास, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इस मेथड ओवर क्लास में अगेन रन मेथड यूज़ की है सेम। ठीक है, यहाँ पे भी रन मेथड है एंड यहाँ पे भी हमने रन मेथड यूज़ की है, एंड उसके अंदर हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया है बाइक इज़ रनिंग सेफली। ये जो रन मेथड है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, व्हीकल इज रनिंग, एंड जो चाइल्ड क्लास की रन मेथड है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, बाइक इज़ रनिंग सेफली। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों का आउटपुट डिफरेंट आएगा। उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर मेथड ओवर, मतलब चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उस चाइल्ड क्लास जो है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का। ठीक है, सो न्यू मेथड ओवर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू मेथड ओवर। ठीक है, उसके बाद हमने ओबीजे डॉट रन किया, ओबीजे डॉट रन। अब देखो ओबीजे डॉट रन किया तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का, मतलब इस क्लास का। तो अब जो हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जो रन मेथड को कॉल करेंगे तो वो रन मेथड कौन सी मेथड होगी, उसी क्लास की रन मेथड, राइट। क्योंकि हमारे पास घर में अगर एक चीज़ अवेलेबल है तो हम मार्केट में उसको लेने के लिए जाएंगे क्या, नहीं। तो इसके पास ये रन मेथड है तो ये उसके बेस क्लास के पास जाएगा क्या, नहीं, वो खुद की रन मेथड ही एग्जीक्यूट करेगा हमेशा, वो खुद की, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट उतने नंबर ऑफ टाइम वो खुद की ही मेथड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जो बेस क्लास की रन मेथड है उसको वो एग्जीक्यूट कभी भी नहीं करेगा, उसको वो हमेशा ओवरराइड करता है। ठीक है, क्या करता है, ओवरराइड, मतलब इस मेथड को वो एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा, वो खुद की मेथड को ही एग्जीक्यूट करेगा, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ओवरराइडिंग। अब देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका मीनिंग कि बाइक इज रनिंग सेफली, तो सी देखते हैं कि इसी तरह से आउटपुट आता है या नहीं। ओके, अब देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको लिखना है यहाँ से। ठीक है, आप इस प्रोग्राम का आउटपुट लिखोगे तो यहाँ से आपको लिखना है सी कोलन वगैरह और इसके बाद जो भी होगा नीचे वो सारा। तो इसको सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं जावा सी मेथड ओवरराइड, मेथड ओवर, ठीक है, क्लास का जो नाम है मेथड ओवर डॉट जावा सी, इट कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ओके, नाउ हम इसको रन करेंगे, आपको ये फिर से टाइप करना है, मैं शॉर्टकट कर रही हूँ सो आपको की नहीं दिख रही, आपको ये टाइप करना है जावा एंड क्लास है। अब एंटर करने के बाद मुझे क्या मिला, आउटपुट बाइक इज रनिंग सेफली।
राइट, जो मैंने बोला था वही आउटपुट ये है। तो बाइक इज रनिंग सेफली, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखो रन मेथड ऑफ कौन से क्लास की, चाइल्ड क्लास की रन मेथड है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास आउटपुट क्या है, बाइक इज रनिंग सेफली, मतलब ये क्या कर रहा है, डिराइव क्लास सॉरी बेस क्लास की मेथड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ, क्या कहते हैं उसको, मेथड ओवर राइडिंग। ओके, सो ये है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 17। थैंक यू।